नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे टेक्निकल अप्लाइसेस चैनल में। इस वीडियो में मैं दोस्तों आपको माइक्रोवेव की डोर स्विच चेंज करनी सिखाऊंगा। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें, ताजो ऐसी नई नई वीडियो आपको हमारी मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आपने माइक्रोवेव की स्विच चेंज करनी है, सबसे पहले दोस्तों उस पर जो जैक लगे होते हैं उन सभी को पहले बारी बारी से बाहर निकाल लें। जहाँ पे दोस्तों आपका हाथ आसानी से चला जाए वहाँ पे आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। और दोस्तों इसको बहुत ही ध्यान से स्विच को पकड़ कर निकालें, ताकि कोई भी प्लास्टिक का जो सामान है वो टूटे ना, क्योंकि जो पार्ट्स होते हैं वो दोबारा मार्केट में बहुत मुश्किल से मिलते हैं। और जो स्विच दोस्तों इसमें फिक्स हुई है वो पेचकस की मदद से हम इसको निकाल लेंगे। इसमें दोस्तों तीन स्विच लगी होती हैं, किसी किसी माइक्रोवेव में दो भी हो सकती हैं। तो आप हमने दोस्तों तीनों जैकों को बाहर निकाल लिया है। एक नीचे वाला जैक था वो भी निकल गया हमारा। दोस्तों एक ऊपर जो बल्ब के पास जैक लगा होता है इसको भी हम बाहर निकाल लेंगे, ताकि हमें स्विच बाहर निकालने में बहुत आसानी हो। तो दोस्तों इसके बाद आप देख सकते हैं सामने यहाँ पे दोस्तों एक स्क्रू लगा हुआ है। इस स्क्रू को हम खोल लेंगे। कभी भी दोस्तों आपको स्विच को धक्के से नहीं निकालना, बढ़िया तरीके से काम करोगे तो आपको रिजल्ट भी बढ़िया मिलेगा। और एक दोस्तों इसका जो स्क्रू है अभी नीचे लगा हुआ है, उसको भी हम पेचकस की मदद से खोल लेंगे। बहुत ही दोस्तों सिंपल तरीका है स्विच को चेंज करने का। दोस्तों स्विच हमें कई बार चेंज करनी पड़ जाती है, स्विच अगर ख़राब हो तो हमारा माइक्रोवेव काम करना ही बंद कर देता है। तो इसलिए हम इस वीडियो को बना रहे हैं। अगर स्विच आपको चेंज करनी पड़े तो आप कैसे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों एक लॉक बना सामने, इसको हम प्यार से नीचे ऊपर उठाना है और बाहर की तरफ निकाल लेना है। दोस्तों आपको पूरा ही ये जो इसका सिस्टम है इसको बाहर निकालना पड़ेगा जिस पे स्विच लगी होती है। कभी भी अकेली स्विच ना निकालें, नहीं तो ये टूट जाएगा। तो यहाँ पर हम ऊपर वाली स्विच चेंज करेंगे। देखिए दोस्तों ऊपर एक लॉक बना हुआ है, आसानी से आप ऐसे बाहर निकाल सकते हैं। अगर आप उसके अंदर लगे हुए को ऐसे बाहर निकालेंगे तो ये टूट भी सकता है, क्योंकि जगह बहुत कम बनी होती है। ये आप देख सकते हैं दोस्तों। और हम यहाँ पे दूसरी स्विच लगा देंगे, बहुत ही आसानी से ये फिट हो जाएगी। आप दोस्तों जब भी इसको फिट करें अपने डिज़ाइन के हिसाब से उसको देख कर फिट करें। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर एक सुराख बना हुआ है, उसमें ये डंडी हम फंसानी पड़ेगी और ऊपर से लॉक बैठ जाएगा। और ये हमारी स्विच है वो पूरी बैठ चुकी है। और दोस्तों नीचे भी स्विच के यहाँ पे दो लॉक बने हुए हैं, यहाँ पे भी दो लॉक बने हुए हैं। ऐसे आप इसको निकाल कर चेंज कर सकते हो। जो भी आपको स्विच चेंज करनी हो आप आसानी से चेंज कर सकते हैं। और अपन दोस्तों इसमें दोबारा से इस स्विच को लगा देंगे अंदर। तो पहले हम जो ऊपर बल्ब का जैक लगा था उसको बाहर निकाल लेंगे, नहीं तो ये अंदर नहीं जाएगा, इसके रास्ते में फंसेगा ये। तो आप बोल रही आसानी से धीरे से इसको नीचे बैठा दीजिए। और यहाँ पे दोस्तों ये लॉक बने हुए हैं उसके अंदर आपको इसको बैठा देना है। ये देखिए दोस्तों ये लॉक के अंदर लॉक बैठ चुके हैं। और जो हमने जहाँ पे जो स्क्रू खोले थे दो, उन दोनों स्क्रू को हम इसके अंदर लगा देंगे बारी बारी से। दोस्तों जब भी आप इसका जो स्विच को बाहर निकालें तो इसकी एक फ़ोटो ज़रूर उतार लें, ताकि आपको बाद में कोई कन्फ्यूजन ना हो कि कौन सा जैक कहाँ पे लगा था। इसलिए हमेशा इसकी फ़ोटो ज़रूर ले लें काम करते समय, ताकि आपको कोई दिक्कत परेशानी ना आए। हमेशा ही सेफ्टी के साथ काम करें। और दोस्तों हमने ये ऊपर वाला स्क्रू लगा दिया है, इसको दोस्तों अच्छे से टाइट कर दें, ताकि ये प्लेट है बिल्कुल भी हिले ना, क्योंकि जो हमारा जो बाहर से जो हम डोर लगाएंगे तो अगर ये अपनी जगह से खिसक जाएगा तो हमारे ये स्विच है वो सही तरीके से काम नहीं करेंगे। तो हमेशा ये आप लॉक में बिठा कर ही स्क्रू को कसें। और हमने नीचे वाला स्क्रू भी हम लगा दिया है और बाद में हम इसके सभी जैकों को लगा देंगे। हमेशा आप दोस्तों इसकी फ़ोटो उतार लें एक बार। और अच्छे से थिम्बल को इसके अंदर बिठा दें, ताकि कोई भी परेशानी ना हो
और माइक्रोवेव हमारा बढ़िया काम करना शुरू कर दे। तो अगर आपको दोस्तों ये हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी नई नई वीडियो हम आपके लाते रहें। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, एक नीचे हमने जैक लगा दिया है, जैकों को हमने अच्छे से लगा दिया है दोस्तों। अब हम इस पीसीबी को इसके अंदर फिट कर देंगे। पीसीबी को दोस्तों फिट करना बहुत ही आसान है, बस सिंपली आप इसके लॉक बने होते हैं दोस्तों, थोड़ा सा अपने ऊपर को उठाकर इसको नीचे को प्रेस कर देना, ये अपने आप फिट हो जाएगी। इस पर 200 स्क्रू लगते हैं दोस्तों, तो ऐसे आप बहुत ही आसानी से इसकी स्विच को चेंज कर सकते हैं। तो अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करें ताकि ऐसी नई नई वीडियो हम आपके लिए लाते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।